दोस्तों इमेजिन करो वो एक दिन तब इस पूरी दुनिया से स्मार्टफोन गायब हो चुका है। आपको आजकल फोन में दिखेगा न मिलेगा, न कोई फोन चलाता दिखेगा, न ही कोई फोन बेचता दिखेगा, न कोई अपने फोन से सेल्फी की रखेगा और न ही कोई बात करता दिखेगा। आदि दुनिया में एक भी फोन नहीं है, एक भी नहीं मतलब एक भी नहीं, मैं बात फोन की कर रहा हूँ, सिर्फ फोन की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या लैपटॉप कंप्यूटर से, ये सब तो है जो जैसा है सब कुछ वैसा ही है, बस सारे के सारे स्मार्टफोन्स गायब हो गए। तो जरा सोच कर देखो आज का ये दिन थोड़े बिना स्मार्टफोन का, ये यदि आपका कैसा बीतेगा जरा सोचो 5 सेकंड के लिए कि सच में इस बीच क्या क्या हो सकता है। चलो मैं बताता हूँ, लोग सुसाइड करने लगे देंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन में से 1-2% लोग तो करेंगे ही करेंगे और बची हुई जनसंख्या में से आधी जनसंख्या डिप्रेशन में चली जाएगी। लेकिन इन सबका प्लस पॉइंट क्या होगा जानते हो, इसके अलावा जो आधी पब्लिक होगी ना वो वापस बहुत उसी से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देगी। यह सुसाइड वाली बात जो मैंने बोली है कि ऐसे ही नहीं बोली है, कुछ बताता हूँ। सो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट देखी, लखनऊ का एक किस्सा बताता हूँ, जहाँ एक 10 साल के लड़के ने, जी बिल्कुल एक 10 साल का लड़का जिसने दुनिया का अभी 10% भी नहीं देखा होगा, उसने सुसाइड कर लिया। और पता इसके पीछे की वजह क्या है, फोन एडिक्शन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर सामने आई कि ये लड़का कई महीनों से स्कूल नहीं जा रहा था, बल्कि सारा टाइम फोन से चिपका रहता। इस उम्र में जहां लड़के खेलने कूदने घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, वो लड़का कौन से अधिकतर था। घर वालों ने इस पर स्थित एक्शन लिया, क्योंकि आखिर कोई भी अपने घर के बच्चों को कैसे बिगड़ने छोड़ सकता है। और इस वजह से उस बच्चे की मां ने उसे फोन छीन लिया। थोड़ी सी के कुछ दिनों के बीच उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। ऐसा सिर्फ एक किस्सा नहीं है, अगर गुंडे बैठूं तो ऐसे सैकड़ों घटनाएं मिलेंगे। और दुख की बात यह है कि आज के मॉडर्न जमाने की है, फोन के न होने पर आधे लोग डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ बच्चे की तरह खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन आधे लोग बहुत कुछ और आजाद महसूस करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे जैसे थोड़ा वक्त बीतेगा, फोन की वजह से डिप्रेशन में गए हुए लोग भी वापस नॉर्मल होने लगेंगे। तो क्या है असली वजह है कि एक इंसान स्मार्टफोन पर इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका है। क्या आप जानते हो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनमें इसका एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 3% कॉलेज स्टूडेंट्स को एक तरह का सिंड्रोम हुआ है, जिसमें उन्हें लगता है कि उनका फोन वाइब्रेट कर रहा है, जबकि कई बार तो फोन उनकी जेब में होता भी नहीं। और इस बीमारी को कहते हैं फैंटम फोन सिंड्रोम, यानी कि छोटा सा स्मार्टफोन जो इंसान के कंपनी में तो बिल्कुल बहुत ही छोटा है, मगर क्या आप मानेंगे कि वो आज हमें बदल रहा है। एक स्मार्टफोन हमारे दिमाग को बदल रहा है, अपने वश में कर रहा है। अक्सर क्या होता है, हमारे हाथ में सब कुछ होता है कि हम अपने स्मार्टफोन में क्या करेंगे, क्या देखेंगे, उनसे वेब शो का सब्सक्रिप्शन लेंगे, किसे कॉल करेंगे, चर्च के लिए करेंगे, इन तक सब कुछ। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा फोन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ मतलब सब कुछ। हम क्या सोचेंगे, हम कैसे सोचेंगे, हम बाहरी दुनिया को किस नज़र से देखेंगे, हम कैसे करेंगे, क्या हम कैसे बाहर सबको नजर आएंगे। इंसान में इंसानियत कम हो गई है सिर्फ इस स्मार्टफोन की वजह से, क्योंकि ये हमारी सोच और इमोशनल स्किल्स को भी खा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस वीडियो का हॉट त्रिलोक सिंह ने। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, नहीं हम एक फौज करेंगे इस स्मार्टफोन के पूरे झूठ को, जहां आपको कुछ ही देर में बहुत कुछ पता चलने वाला है। पूरा ये जाने वाले कि स्मार्टफोन्स कई में हमारे दिमाग को कैसे अपने वश में कर रहा है, और आखिर में इसके कुछ FAQ सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है खुद को इस जाल से बचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोड 19 पूरे 3 सालों के लिए अपने चरम पर था, लोग कोविड से तो बच गए लेकिन अफसोस ने स्मार्टफोन के वायरस ने जकड़ लिया। स्क्रीन यूज बहुत तेजी से बढ़ा और ये सिर्फ बड़े बूढ़ों में नहीं, बल्कि इसका सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट बच्चों में हुआ, जहां इससे पहले बच्चे स्कूल जाने और फिर तुरंत घर आकर खेलने जाने में व्यस्त रहते थे। वहीं उनके पास कोई ऐसा काम न होने की वजह से वो इसे पूरी तरह से अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। न कोई होमवर्क, न कोई ट्यूशन वर्क और न खेलने की थकावट, ऐसे में वो बच्चा करे तो क्या करे। लेकिन क्या हमेशा फोन सहित चिपके रहना था, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसमें ज्यादा गति पेरेंट्स की मानी जाएगी, उन्हें अपने बच्चों को रामायण जो कि रिपीट में खूब चला था, इसके अलावा महाभारत, इन सब जैसे स्पिरिचुअल सोच को दिखानी चाहिए थी, कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। बड़ों का क्या है, लॉकडाउन हटा तो वो अपने अपने काम पर निकल गए। आप रोल घर कैसे चलेगा, फिर तो मजबूरी में ही सही। लेकिन फोन की लत से छुटकारा मिल गया, मगर बच्चों का क्या,